नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आइए अब देखते हैं स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सीएम बघेल से बात की स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल ने। जय जोहार, राम राम। जम्मो दर्शक मनला छत्तीसगढ़ राज स्थापना दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। छत्तीसगढ़ राज बने आज 19 बछर हो गए है और 19 बछर में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा का रहे है एकर बारे में आज गुठियाबो हमर राज के मुखिया भूपेश बघेल जी लंग। स्वागत है भूपेश जी आपके। राम राम। सबसे पहली तो ये जानना रही से कि अब तक जतका स्थापना दिवस हमन मनात रहे भारी ताम झाम रहते, कभी सलमान खान आते, कभी करीना कपूर आते, वो एकदम वो टाइप के माहौल बना दे जात रही से। यू जरी कुछ मंत्री मन चर्चा करते नहीं है कहा झनलत बुलायल पड़ी कुछ ताम झाम बस, लेकिन जैसे आप अपन घोषणा पत्र में जिन बात कह रहे हो कि छत्तीसगढ़ के आदमी ल बढ़ावा देना है, यहाँ के कलाकार ल बढ़ावा देना है, तो ये बात के डर नहीं लगी इसका आप लोग कि बड़े कलाकार नहीं बुलाबो तो ये आपके जिन राज में जिन पहला राज्योत्सव मनात होते हैं ठीका हो जाए का चलत रही आपके दिमाग में? छत्तीसगढ़ राज छत्तीसगढ़ के रहिया मन भर बने और छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति है तेन बहुत समृद्ध है। हजारों साल के हमार नाट्यशाला है, बहुत उच्च परंपरा रहे है और फिर यहाँ के कलाकार मन देश दुनिया में जाके अपन कला के झंडा गाड़ के आए हैं, तो हमार कलाकार मन कोनो कमी है तिन बाहर ले बुलाए जरूरत पड़े तो पहले हम अपन आप ला सम्मानित करन हमार कलाकार मल्ला जिन है पूरा जीवन ला समर्पित करे है तीन कलाकार मल्ला पहले सम्मानित कर लेना मना। और वही पाए के आप देखो कि हमन बाहर के तीज त्योहार के अपेक्षा हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है जिले हमन बढ़ावा दे काम करें, चाहे वो हरेली हो, चाहे वो तीजा हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो, तो ये हमारे जिन छत्तीसगढ़ी जिन त्योहार है, छत्तीसगढ़ी कलाकार है, छत्तीसगढ़ की जिन संस्कृति है, ये कोनो कमी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के गोबर के दिया है तीन दिल्ली मंजूर बगरावा थे कतेक पसंद करी सब जन, ये तो हमरे एक नोनी मन बना है ना, हमरे कुम्हार मन बना है ना, तो ये काम हमारे करना है ताकि अपन आदमी ले ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। जिन शुरू ले देखें जब ले आप संभाले राजकाज संभाले उखर बाद सीएम हाउस एक तरह से पूरा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के गढ़ दिखते, संचालन केंद्र दिखते और पहली बार ऐसे दिखते 19 साल में कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता जागे है और सब बड़ा गांव गांव में मैं जाता हूं तो वहां बड़ा अच्छा चर्चा होते, लेकिन कई जन आलोचना भी करते कि भाई ये तिहारे भर माना थे करत उरत कुछ नहीं है ये टाइप के, उखर भर का कहे हो आप? देखिए एक तरफ ये है कि स्वाभिमान जागृत करना चाहिए और सब जनला ये लगना चाहिए कि हमारा राज है, हमार प्रदेश है, तो अपनापन लगना चाहिए हर वर्ग ला। और जहां तक के विकास के बात है तो विकास के पैमाने का होना चाहिए, अर्थ हमार पुरखा मन तो कह के समृद्ध छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, तो समृद्ध छत्तीसगढ़ काकर से बने? आदमी के विकास से कि कंक्रीट के विकास से? तो हमारी जिन इकाई है तेने व्यक्ति है, ये समाज के अंतिम छोर के है तेकर हमला विकास करे के, और पिछला सरकार के वो पैमाना नेरी से अवकर कारण से देख ले जब छत्तीसगढ़ राज बने तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करैया मन के संख्या रही से 36% और अभी जिन हावे तेन 39.9% मतलब 40% 4% गरीब मन और बाढ़ गए। जिन कुपोषित बच्चा है तेकर मन के संख्या 37.6% और जिन खून की कमी से जिन पीड़ित महिला मन है हमारे बेटी माई मन है तेकर प्रतिशत 41.5%। तो यदि आदमी मन कमजोर हो जाए, अशिक्षित हो जाए, बीमार रही तो मजबूत और समृद्ध छत्तीसगढ़ कैसे बने? तो हमार केंद्र में व्यक्ति मन है,
किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, महिला है, नौजवान है, ये मन हमार केंद्र में है। और वही कारण देख ले, हम ऋण माफी करें, 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदें, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करें, 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदु पत्तल खरीदें, 35 किलो चावल हर परिवार ले देतन। तो एकर फायदा का हुई कि हमार बाजार में पैसा की कोई कमी नहीं रही से, सामान की बिक्री की कोई कमी नहीं रही से, और ओकरे कारण से छत्तीसगढ़ में मंदी के कोई असर नहीं है। देश में हावे लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। बिल्कुल सही कहता हूँ, खासतौर पर किसान वर्ग जिन करे, खासतौर से अभी बड़ा बहु किसान परिवार लाता हूँ, सब मोर से पूछे कैसे तो चुनाव जीते, देखा था लाइक पहली साल 2500 में खरीदा था, इस साल का हो ही, ये दिन आप चिट्ठी लिखे हो केंद्र सरकार ला, ये सब बहाना तो है कि केंद्र मना कर रहे थे हम नहीं खरीदन, लेकिन आज जिन नवा उपार्जन नीति बने हैं वो में फिर से आप घोषणा करे हो कि 2500 रुपया में धान खरीदबो, जिन कोई सीमा उम्र निर्धारित नहीं हुए हैं, 15 क्विंटल धान 2500 रुपए क्विंटल में हमें खरीदना है। और दूसरा बात यह है कि भारत सरकार एक अड़ंगा लगाया है कि यदि बोनस देबे तो वहां से जिन सेंट्रल पुल में जिन चावल खरीदते वो हम बंद कर देवो। तो ये भाई संघी गणराज्य और आधा चावल ला हमन रखत रहे, आधा चावल ला भारत सरकार देते, लेकिन बोनस के पैसा लत नहीं देते इसे, हमन बोनस के पैसा भी नहीं मांगा था भारत सरकार से, हमन अपन खजाना से, छत्तीसगढ़ खजाना से अपन किसान मन ला देना चाहता, तो हमें रोक कावर लगा थे, वो तो किसी कार्य बढ़ावा मिली, लेकिन वो रोक लगाया है तेने हम कहा था कि ये रोक लगाए थे खत्म कर, ये सेंट्रल पूल में हमारे अनाज लेते रहते तो ले, हर राज्य से लेते तो हमारे राज्य से काबर नहीं लेवे भाई, पिछले साल जब थे वो नियम में शिथिल कर रहे तभी तो बोनस मिले रही से, काबर की ये जिन एग्रीमेंट कर रही से एमयू करे है तेन है 2014 के, अगर कहां से रमन सिंह पिछले सरकार में बोनस नहीं दे पा रही से, जब वो नियम में शिथिल करी तब चुनाव बछर में वो बोनस मिले रही 300 रुपया, और वही आधार पे हमन 2500 रुपया दे, जब पिछले दो साल से जब शिथिल करे हैं तो क्या चुनाव पर कर रहे थे, तो यू बात शिथिल कर, हम किसान ला 2500 रुपया देना चाहते हैं, तो वही पैसे सब हम कहा था किसान मन ला, सब किसान मन प्रधानमंत्री जी चिट्ठी लिखाओ ताकि हमारे किसान हम 2500 रुपए दे सकन, और ओकर से फायदा दिखा थे पूरा छत्तीसगढ़ में कि नवा नवा निर्माण हो थे, घर कुरिया सुंदर सुंदर बना थे, सोफा गद्दा लगा थे, पंखा कूलर एसी लगा थे, मोटरसाइकिल खरीदा थे, कार खरीदा थे, ट्रैक्टर खरीदा थे, ट्यूबवेल खोदा थे, तो सब चीज तो होते, तो एक से कहा है कि व्यापार बढ़ा थे। इक्कीस क्यों तो अच्छा होते कि ग्रामीण विकास पर तो बिल्कुल पहला दिन से, जिन दिन से आप शपथ ले हो तेन समय से आपके विजन दिखते, नरवा गरुआ घुरुआ बारी चार चिन्हारी के नारा भी दे हो आप, लेकिन सब सवाल भी उठाते कि बस यही गुजर जाएगा पांच साल, शहरी विकास पर कुछ सोचते मुख्यमंत्री की नहीं सोचते शहर विकास पर, तो देख सीरियस बात है कि हम छोटे प्लाट की रजिस्ट्री ला जिन बेन लग रही तरह टाइम, अवका से फायदा है इसका कि 80,000 एमए रजिस्ट्री हो गए, दूसरा जिन जिन कलेक्टर गाइडलाइन में जिन रही से 30% कम कर दें, आज हम नवा उद्योग नीति लाए हैं ताकि वो उद्योग नीति में केवल कोर सेक्टर भर में हमार निगाह नहीं है, बल्कि हमार निगाह में जिन फल फूल सब्जी और लघु वनोपज हर्बल एकर से जुड़े हुए जिन उद्योग के तिल हम बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हमारे बस्तर में सरगुजा में भी उद्योग लग सका है, वहाँ लोगों मतलब रोजगार मिल सका है और उनका वैल्यूएशन हो ही, तो हमारे निगाह अनाज में भी है, अनाज में भी हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं, ईंधन बनाना चाहते हैं, बायोफ्यूल बनाना चाहते हैं ताकि पेट्रोल डॉलर जो लगत विदेशी धन लगते तेमें कमी आए और हमारे किसान मन ला रेट बराबर मिलत रहे और उद्योग लगे तो रोजगार मिलवे करें, तो हम बहुत अगर उद्योग और दिशा हम जैसे मक्का प्रसंस्करण केंद्र हम कोंडा गांव लगाए हैं, हमन सुकमा में ग्रेनाइट के कटिंग और पॉलिशिंग के यूनिट लगाना चाहते हैं, सुकमा में आज तक कोई एक उद्योग नहीं है, तो वो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, वहाँ नौजवान मतलब रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो हमार निगाह है तो केवल चिन्हित कुछ शहर नहीं है,
हमारे निगाह में पूरा प्रदेश है, सब जगह व्यापार फले फूले लगाए, आओ लोगों ला रोजगार मिले, केवल कोर सेक्टर नहीं, खनिज केवल उत्खनन करके बेचे जाए, कुछ आदमी उन पैसा कमाए, बचत मन गरीब हो जाए, ये हमारी खनिज लेके खासतौर पे बड़ा चर्चा होते, बहस भी होते कि जब आप विपक्ष में रहे तो खनिज संसाधन जिन्हें बचाए बर और वहां के मूल निवासी मन के हित पर काफी लड़त रहे हो। अभी कुछ खनिज लेके डिस्प्यूट चलते है कि कुछ खनिज जिन कुछ कोल ब्लॉक है ओखर एनओसी मिल गए, कुछ बड़े उद्योग समूह मिल गए, ये टाइप के है, तो मूल निवासी मन पर कभू चर्चा कर बने कभू आपके का सोच रहे थे, खासतौर पर जिन हिसाब से नंदीराज पर्वत वाले जिन तो रही से ओखर बड़ा विरोध हुई, अभी कुछ दिवाली नहीं मने ने परसा कोल ब्लॉक के ओला लेके, तो आप का सोचते हो अब यहाँ तक के जिन कोल नीति है तो शुरू से ये सेंट्रल के मुद्दे है, सेंट्रल पुल में रखे गए, जिन आयरन ओर हो रहे थे पहले राज्य सरकार ला भी पूछे जाते रही से, लेकिन अभी जिन एमडीआर बने हैं भारत सरकार जिन खनिज नीति बने से वो पूरा सेंट्रलाइज हो गए हैं। पिछले समय भारत सरकार ये कह रही से कि हम नीलामी करबो और नीलामी से पैसा ही और नीलामी हो भी कुछ ओकर से, जैसे कोयला की बात करें तो 2300 से 3200 रुपये हमला प्रति टन प्रीमियम मिला था, लेकिन ओकर बात हो इसका कि राज्य सरकार माले लाट कर दी, यहाँ के कोयला खदान आंध्र प्रदेश ला लाट हो गए, महाराष्ट्र ल हो गए, गुजरात ल हो गए, राजस्थान ल हो गए, मध्य प्रदेश ल हो गए, तो ऐसे अन्य राज्य माले लाट हुए, लेकिन उनमें हमारा रॉयल्टी का मिला थे 100 रुपया, कहाँ 2300 3200 और कहाँ 100 रुपया। तो 30 साल में हमने हिसाब लगाए, 30 साल में लगभग 9 लाख करोड़ के नुकसान होते छत्तीसगढ़ का, तो ये नुकसान हमला नहीं होना चाहिए, हम प्रधानमंत्री चिट्ठी भी लिखे लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो ये जो नीति है तिन्हा यदि नीलामी की नीति है तो नीलामी कर ताकि हमला उसका प्रीमियम के पैसा मिले, यदि अलॉटमेंट करा था तो हम तो फिर हमारे साथ अन्याय होते हमारे छत्तीसगढ़ के साथ, तो फिर रॉयल्टी बढ़ा ताकि हम वहां का आदमी मन के विकास कर दें। जैसे अभी डीएमएफ के पैसा से खूब बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी, लेकिन हम कहें पूछे कि वहां का रहिया मन के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन है, बोले कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, तो मैं कि तुम्हारी नीति बेकार है, उसका शिक्षा के उसका स्वास्थ्य के उसका रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए, तो वो दिशा में हम काम कर रहा था। और जहां तक के नंदीराज के बात है, जहां तक के परसा कोल ब्लॉक के बात है, तो उमे भारत सरकार लेकर मन के बात ले पहुंचा देता कार के एनबीसी वहां है वो भारत सरकार के अधीन है, परसा कोल ब्लॉक वो भारत सरकार के अधीन है, तो जिन बात है तेन तो पहुंचते हैं भारत सरकार का, फैसला तोला करना है। अच्छा एक बात क्यों बहुत मांग आते जिन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना मातृभाषा में शिक्षा के मांग करे थे, उमा का दिक्कत आवत है, खासतौर पे जितना तीज त्योहार मनात हो आप छुट्टी देवत हो और बिल्कुल एक आत्मसम्मान के भाव हर छत्तीसगढ़ी हम पैदा करे हो, लेकिन सब ले ही लगते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है मातृभाषा प्राइमरी शिक्षा खासतौर पर, एक बस कुछ प्लानिंग चला थे एक बार हम काम कर रहे थे, केवल छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि कुड़ुक है सरगुजिया है गोड़ी है हलबी है, एक बार ऐप बनाया है ना मना और वो लेके मन लो उमे पढ़ाए के भी हमन कोशिश करा था ना, तो धीरे धीरे सब चीज हुई, एक झटका कहीं नहीं हो जाए, एक झटका कहीं फैसला करवे तो वो नुकसान करते, धीरे 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 सब काम अलग कर जाता ना, ताकि मातृभाषा से जेन लेकिन मन सीख सकते समझ सकते वो दूसरा भाषा में नहीं समझ सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ओकर बार आज तक के प्रयास नहीं, हम प्रयास कर अपने धीरे धीरे हो यहाँ के लेकर अपन मातृभाषा में भी पढ़ाई करें और दूसरा साथ हिंदी भी पढ़े तीसरा अंग्रेजी भी सीखे ताकि देश दुनिया में अपन बात ला रख सके। छत्तीसगढ़ जिन्हें 19 बच्चर के हो गए है किशोरावस्था से जवानी की तरफ जाते है ऐसा समय में ओखर बागडोर आपके हाथ में है, आने वाला 3-4 साल बाद कौन रूप में देखना चाहते हो छत्तीसगढ़ ला, का चुनौती लगते खासतौर पर अभी 11 महीना हो आप संभालत, ये 11 महीना में कुछ चीज तो आप बताए कि नक्सलवाद से ज्यादा बड़े समस्या कुपोषण है और ये सब चीज है, इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य पर और कुछ ठोस टाइप के काम करने की जरूरत है का? 18 साल के लेकर
मतदान करे का अधिकार मिल जाते वाला हमारे छत्तीसगढ़ बने तो 19 साल हो गए। अब जवानी को और बढ़ गए, हालांकि कोई राज्य पर 19 साल बहुत अधिक नहीं हुए, लेकिन यदि उम्र के हिसाब से किबे तो वो मतदाता बन चुके हैं, जैसे 18 साल के लेकर मतदाता बनते। छत्तीसगढ़ पर हम रोड मैप बना चुके हैं, हमारे गांव कैसे रही, हमारे आदिवासी मन के विकास कैसे रही, हमारे महिला मन पर हमारे का क्या काम करना है, हमारे नौजवान वर्ग में उनका क्या काम करना है, किसान पर क्या करना है, व्यापार पर क्या करना है, उद्योग पर क्या करना है, वो सब रोड मैप बन गए और वो दिशा में हमन ला अब आगे बढ़े काम है, और दिशा में हम आगे बढ़ा दिया, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो निर्माण क्षेत्र में हो, उस सब दिशा में हमने आगे बढ़ा जाता ना। आने वाला 5 साल में जिन हमारे प्रदेश है अग्रणी राज्य मन में एक गिनती हो। एक महीना बाद आप 1 साल हो जाए पूरा शासन करत, अभी अपन सरकार के मंत्री बन के कामकाज से कितना संतुष्ट हो, काला कतेक नंबर देहू, एक सवाल मोर मन में रही। सब मंत्री बने काम करत है और सामूहिक नेतृत्व में हम सब काम करते, मंत्रिमंडल के लगातार बैठक होते थे, अभी 10 महीना हो गए हमारे राज्य 19 तक बैठक हम कर दें कैबिनेट के, एक मतलब ये है कि हमन हर महीना बैठक करा था, एक महीना में 1.5 बैठक तो हुई जाती, 1.5 से 2 बैठक हुआ थे, तो हर विषय में हमन आपस में विचार विमर्श करके कोई फैसला लेते ना बोला फिर क्रियान्वित करता, तो हम सब सामूहिक नेतृत्व में सब काम करा था। अभी एक नया जिन लोकल चुनाव है उखर बारे में एक नया नीति जिन बने हैं उखर पीछे मकसद क्या है, जिसे महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष जिन है वो पार्षद चुनी है, इसने अभी सुने माँ थे वो कतिक सच्चाई है कि पंच बन मिल के सरपंच। एक ठीक बात हमने देखे मिली, जब मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के हम घोषणा करें और शुरुआत करें तो लोगन मन से बात है इसके, यदि महापौर है या अध्यक्ष भी पार्षद रहती तो वो समस्या ज्यादा से समझती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अध्यक्ष के चुनाव अलग, महापौर के चुनाव अलग और पार्षद के चुनाव अलग, तो फिर पार्षद मन के बात ला उसका महत्व तो नहीं मिला तरी से, महापौर उसका अच्छा से गंभीर नहीं लिया तरी से, लेकिन यदि पार्षद में से ही यदि महापौर बनी तो वो वार्ड की भी जिम्मेदारी होला तो ज्यादा अच्छा से बात समझ सकते, तो ओकर स्थिति ये फैसला लिए गए। तो क्या गांव में भी यही व्यवस्था रही, पंच सरपंच विभाग की तरफ से प्रस्ताव आने वाला है, अब जो प्रस्ताव है फिर विचार कर वो कैबिनेट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमला व्यस्त समय में से समय निकाल के समय दे और छत्तीसगढ़ राज्य की दशा और दिशा लेके बात करो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हमर दाऊ जी छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जी, जिखर साफ तौर पर मानना है कि जिन इखर राज काज के जिन लक्ष्य है, जब तक आखिरी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ तब तक कोई बहुत अच्छा काम करे के मतलब नहीं हुआ, तो अपन बातचीत के जिन पूरा उखर सार यही रही से कि दूर दराज के इलाका के जिन आदमी है ओमा आत्मसम्मान के भाव आवे, उखर चेहरा में मुस्कान रहे और यही उखर सपना है और यही सपना लेके उमन लगातार आगे काम करे के अपन लक्ष्य रखे हैं। आज अब के ही नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।